गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं चंदन सर और उनकी पूरी एंटायर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। उनकी वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जिन वजह से मेरा सी इंटरमीडिएट ग्रुप 1 क्लियर हुआ है। लास्ट मंथ की काउंसलिंग वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। थैंक यू सो मच। हाय, मैं सर प्रगति भट्टीवार। मैंने ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी से लेक्चर्स लिए थे फॉर माय फर्स्ट ग्रुप सी इंटर। बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज ऑफ देयर लेक्चर्स, बिकॉज ऑफ देयर प्रैक्टिस असाइनमेंट्स, मैंने अपना फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर पाई हूँ इन फोर्थ अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट तक मेरे को पता ही नहीं चल रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। लाइक आई वॉज ऑलवेज फेलिंग इन कॉस्टिंग। पास होते थे अकाउंट्स एंड लॉ एंड टैक्स में, बट इन ऑन दैट 40 or 42। बट आफ्टर वॉचिंग सर्स लेक्चर, चंदन सर्स लेक्चर्स, आई स्कोर्ड एग्जाम्पशन इन 3 सब्जेक्ट्स, विच वॉज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। आई एम सो हैप्पी एंड देयर लेक्चर्स आर सो बेस्ट। मैं सच में बताऊँ, चिल्लम चल्ली नहीं रहती है। लाइक दूसरे लेक्चर्स में जब मैं आई यूज टू सी द लेक्चर्स बिफोर, जिनके बाकी सरों के इतना चिल्लाते थे लेक्चर्स में, और मेरे को ऐसा लगता था मैं क्या करूँ, उनका कान दुख जाता था मेरे। बट आफ्टर वॉचिंग चंदन सर लेक्चर्स, इट वॉज पीसफुली, सब शांति से प्यार से सिखाते। इट इज़ बेस्ट एंड द प्रैक्टिस बुक इज़ बेस्ट। एग्जाम में आई रियलाइज दैट उनके बुक्स जो है, उनके जो उन्होंने जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए, एग्जाम में ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा उसमें आए। एंड बिकॉज ऑफ दैम आई जस्ट क्लियर दिस टाइम विद गुड मार्क्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच पूरे ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी के लिए। थैंक यू, यू हेल्प मी अ लॉट इन क्लियरिंग दिस। मैं आपके ग्रुप 2 के लिए भी लेक्चर्स लूँगी जल्द से जल्द। थैंक यू सो मच। माय नेम इज आदित्य मोसतीजा। आई रिसेंटली क्लियर माय सीए इंटर ग्रुप 2 एंड आई वुड लाइक टू से अ बिग थैंक्स टू चंदन सर एंड द जीईए, बिकॉज चंदन सर हैज बीन अ पार्ट ऑफ माय सीए जर्नी सिंस द बिगनिंग। फॉर द इंटरमीडिएट पार्ट, आई कैन ओनली गिव फीडबैक फॉर द परफेक्ट रिविजन बुक। It was overall a very good book, especially if you plan to revise the course. You don't have many days remaining for the exams. Practical part was very satisfactory, especially FM, because I remember, you know, the whole chapter were concise in 3 to 4 pages. All the methods, formulas were written with the steps on how to calculate through that method, and the steps was also written in Hindi, which made it very easy to understand. So it helped me a lot in FM, and when I gave the paper, I felt very confident. हेलो एवरीवन, मेरा नाम यश गोकलानी है एंड जस्ट अभी जो सीए इंटर का एग्जाम हुआ था उसमें मैंने 512 मार्क्स स्कोर किए एंड 6 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन भी स्कोर की। चंदन सर से तो मैं फाउंडेशन के पहले से भी जुड़ा हुआ था, मतलब फाउंडेशन में मैंने जब चंदन सर का वीडियो देखा था यूट्यूब पर, पहली बार मैंने वीडियो देखा था ऑब्वियस है, तो मैंने सोचा कि इतने सारा सब्जेक्ट कोई कैसे पढ़ा सकता है। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे रिकमेंड किया कि चंदन सर की क्लासेस लेनी चाहिए, तो मैंने भी सोचा एक बार ट्राई कर लेते हैं। लेकिन तो मैंने क्लासेस ली तो मुझे पता चला कि एक्चुअल में चंदन सर इतने प्रोफेशनल हैं कि उन्होंने मतलब फाउंडेशन के सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से इंग्लिश थी उस वो कवर नहीं हुई थी उसमें, तो वो छोड़ के सारे सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ाए थे हमको। एंड मतलब इतना प्रोफेशनली पढ़ाया था उन लोगों ने कि मेरे फाउंडेशन में अभी 260 प्लस आए थे एंड एग्जामिनेशन भी आई थी, सारे सब्जेक्ट्स में आ गई थी मेरी, 60 प्लस थी मेरे सब में। तो फाउंडेशन में भी सब में एग्जामिनेशन आ गई, इंटर में 6 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन आ गई। आई कांट बिलीव दिस इवन कि मतलब चंदन सर से पढ़ के इतना सब कुछ मुझे मिला है, ई स्कॉलर से जुड़ के इतना सब कुछ मुझे मिला है। बहुत लोग बोलते हैं कि किसी को लगता होगा, मतलब बहुत लोगों को लगता होगा, ऑब्वियस मुझे भी लगा था कि इतने कम अमाउंट में इतने सारे सब्जेक्ट एक ही बंदा कैसे पढ़ा सकता है। तो यार मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार आप कोर्स लेके देखिए, काफ़ी अच्छा कोर्स है। फाउंडेशन का कोर्स भी काफ़ी अच्छा, फाउंडेशन की टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छी लगी मुझे। फाउंडेशन की टेस्ट सीरीज जो MCQ पेपर्स थे, उनके सर ने ना वर्चुअली MCQ ही टिक करने थे हमें, तो वो काम बहुत अच्छा लगा मुझे सर का। मतलब इन लोग IT टीम ने इस तरीके से डिजाइन किया था कि मतलब एक फिक्स टाइम पे वो टेस्ट होता था और उसके बाद मतलब आंसर स्टिक करने होते थे और वो टाइम खत्म हो जाता था और उनको सबमिट करना होता था पेपर, तो वो बहुत चीज़ अच्छी थी। और उसमें है ना रैंक भी आती थी, तो अपन को मोटिवेशन भी मिलता था उसमें रैंक, मेरी बहुत बार रैंक आती थी 10, 20, कभी कभी 5 भी कभी आ जाती थी। तो फाउंडेशन में तो मैंने 261 है, इंटर में भी मैंने कोर्स लिया सर से एंड मतलब कोर्स इतना बढ़िया था, अंदर के कंटेंट थे इतने बढ़िया, टेस्ट सीरीज थी इतनी बढ़िया। टेस्ट सीरीज सर की इतनी अच्छी है मैं क्या बताऊँ उसमें से। और टेस्ट सीरीज के साथ साथ सर जो अलग से सेल्फ टेस्ट की जो देते हैं पूरी को कंटेंट देते हैं, तो उसमें है ना
अगर हम वो कंटेंट रोज सॉल्व करेंगे, मतलब रोज मतलब सर जब जब बताते हैं सर गाइड करेंगे आपको, तो वो करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, इंटर पास करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। एवरेज सर ने मुझे बोला था कि 3 महीने में एक ग्रुप का मतलब ऑलमोस्ट एक ग्रुप का ऑलमोस्ट अपन कवर कर सकते हैं, जो कि मैंने किया। इनफैक्ट मैं सर की इंटर की सारी टेस्ट सीरीज अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि हमारे यहाँ पे कोविड के, इनफैक्ट मेरी फैमिली को भी कोविड हो गया था, तो उस वजह से थोड़ा मैस हो गया, हमको हॉस्पिटल जाके एडमिट भी होना पड़ा था। तो चलो वो कोई मैं वो मैटर अभी इसमें नहीं ले सकते। तो बस ये मैं यही बोलूँगा कि सर के जो कोर्स थे, ये सर ने सर अकाउंट्स इतना अच्छा पढ़ाया था, सर ने एडवांस अकाउंट इतना अच्छा पढ़ाया था, और ये कॉरपोरेट लॉ में सर ने थ्योरी सब्जेक्ट्स में एस एम तो सर से ही लेनी चाहिए। एस एम में जो सर ने चार्ट्स दिए थे, वो चार्ट्स को रिमेंबर मतलब याद करने में बहुत हेल्प हो रही थी। वो चार्ट्स मैंने खुद ने लिखे थे अपनी नोटबुक में, तो वो खुद को लिखे हुए चार्ट्स मतलब रिवीजन भी 3-4 बार किए ना, तो मुझे याद थे। मैं बुक मतलब सर की लैंग्वेज ही वहाँ लिख के आया हूँ एग्जाम में। एंड इनफैक्ट मेरे ईआईएस एग्जाम में भी एग्जामेशन आई, 63 कुछ मार्क्स थे मेरे ख्याल से। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से डैट ई स्कॉलर्स में अगर हम कोर्स ले रहे हैं तो फुल पैसा वसूल है अगर देसी भाषा में बोले, और अगर वैल्यू फॉर मनी है इंग्लिश में बोले तो। एंड ऑल थैंक्स टू चंदन पोदार सर, क्योंकि उन्हीं मेन तो उन्हीं की वजह से ये हो पाया।